ये होता है खाना। ये चैट जीपीटी आज इतना खाना खिला रहा है ना, इसने हद कर दी है, एक भी डेजर्ट्स की चीज नहीं दी। तन्नो डिसाइड फ्रॉम वेजी पाजी, और आज 24 घंटे के लिए मेरा खाना डिसाइड करेगा एक रोबोट। अच्छा, वैसे तो ये गूगल भी एक रोबोट है, बट आज जो हमारा रोबोट है वो गूगल से भी एडवांस है। उसका नाम है चैट जीपीटी। अब ये चैट जीपीटी एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने उससे पूछा है कि मैं पूरे दिन भर क्या खाऊं, कुछ कुछ चीजें उसको बताइए जो आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, और बेस्ड ऑन दैट पूरा दिन का खाना बताया। वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में उससे ये भी पूछेंगे क्या गूगल बेटर है या चैट जीपीटी। मजा आएगा, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दो चीज़ें मुझे आज के मील प्लान में चाहिए ही चाहिए थी, वो मैंने चैट जीपीटी से करवा ली है। पहली चीज़ तो एक नेसेसिटी है, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, एक रोबोट को बताना पड़ेगा कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को सिर्फ वेज खाना बताइए। और दूसरी चीज़, मैंने उसको ना अपना एक लोकेशन बता दिया कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, तो उसको आइडिया रहे कि हाँ ये यहाँ का बंदा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको यहाँ के खाने पसंद है। तो ब्रेकफास्ट में चैट जीपीटी ने हमें बोला है खाने के लिए स्पाइसी वेजी स्क्रैम्बल्स, सॉल्टेड बेल पेपर्स होंगे उसके अंदर, प्याज होगा, अनियंस, टमेटोज विद स्पाइसेस, और फिर उसके अंदर आप डाल लो या तो पनीर डाल लो या टोफू डाल लो, जिससे आपका प्रोटीन अच्छा हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ ऑर्डर कर चुका हूँ, एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि मैंने टोफू मंगवाया या पनीर मंगवाया, बिकॉज ऑब्वियसली भाई एक इंडियन बंदा पनीर खाएगा ना। ये हो गया हमारा स्पाइसी वेजी स्क्रैम्बल। मैंने उसको बोला था कि भाई मेरे को स्पाइसी खाना खाना है, तो ब्रेकफास्ट में तो उसने मेरा पूरा ध्यान रखा है, और साथ में मैंने पुदीना लच्छा पराठा मंगवाया है। अच्छा, आज मैं कमेंट सेक्शन में चैट जीपीटी भर दूँ, और यार किसी को ये जीपीटी की फुल फॉर्म बताना तो वो भी कमेंट्स में बताना। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता था, घर में टिंडे बने हैं, बहुत सही दिन चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे टिंडे बिल्कुल नहीं पसंद। ये होता है खाना। थैंक यू चैट जीपीटी फॉर गिविंग मी सच गुड ब्रेकफास्ट। फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और काफ़ी फिलिंग ब्रेकफास्ट दिया है इसने। अच्छा, मैंने ना इससे ये भी बाकी और सवाल भी पूछे थे, आपको पूरी वीडियो में एक एक करके बताता हूँ। एक तो मैंने इससे ये भी सवाल पूछा था कि भाई ये सारा जो खाना तुमने दिया है ये कितनी कैलरीज का है, जिससे आइडिया लगे कि किस बेसिस पे इसने ये खाना दिया है। तो इसने कैलरीज का भी पूरा ध्यान रखा है। एक बंदा ऑन एन एवरेज एक दिन में 2000 कैलरीज खाता है। ये सारा खाना आज जो भी 6 मील्स है मिला के 2000 से 2200 कैलरीज के बीच में है। घर में सब लोग खा रहे हैं टिंडे, और मैं क्या खा रहा हूँ, पनीर भुर्जी विद लच्छा पराठा। ये पनीर भुर्जी और लच्छा पराठा, पुदीने वाले लच्छा पराठा मंगवाया अपनी रसोई डीसी चौक सेक्टर 9 से। बहुत अच्छा लगता है, इसका राजमा मंगवाते रहते हैं, पनीर भुर्जी भी काफ़ी होमली सी है। अभी तक सही जा रहा है। लंच में देखते हैं क्या खिला रहा है। ब्रेकफास्ट खा के तो बहुत मज़ा आ गया, एकदम चटपटा खाना था। अब जो लंच है ना वो इससे भी ज़्यादा चटपटा है, क्योंकि बिरयानी थी एक तो, और वो भी भैरोज से स्पाइसी हैदराबादी बिरयानी मंगवाई है। साथ में चैट जीपीटी ने बोला था रायता खाओ और अचार खाओ। सालन मुझे बहुत पसंद है बिरयानी के साथ, बट उसने मना कर दिया था। स्पेशल नोट भी लिखा है एक, ये पहली बार हुआ मेरे साथ। ये नहीं खा सकते, ये नहीं खाना, कोई मीठा नहीं दिया चैट जीपीटी ने। ये भैरोज वाले ना बिरयानी के साथ में ना गुलाब जामुन भी देते हैं, और वो गुलाब जामुन को देख के फिर मैंने अपना मील प्लान फिर से देखा, और मैंने रियलाइज़ करा चैट जीपीटी इज़ एंटी मिठाई, उसने एक भी चीज़ डेजर्ट्स में नहीं दी। मुझे भैरोज की बिरयानी बहुत पसंद है। मैं जब तक हैदराबाद नहीं गया था ना, तब तक मुझे ये नॉर्मल वाली चना बिरयानी, कटहल बिरयानी बहुत पसंद थी। उसके बाद से जो मैंने हैदराबाद में बिरयानी खा ली ना, उसकी पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना बहुत मज़ा आएगा। भैरोज की स्पाइसी हैदराबादी बिरयानी इज एज क्लोज टू महफिल की बिरयानी दैट यू कैन गेट दिल्ली में। बहुत टेस्टी है। कायदे से ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मिड मॉर्निंग स्नैक होता है, बट चैट जीपीटी ने आफ्टरनून स्नैक रखा है, मतलब लंच के बाद एक स्नैक और फिर डिनर से पहले एक इवनिंग स्नैक। तो दो स्नैक्स करेंगे हम लोग। एक तो वैसे ही मैं लेट लंच करता हूँ, ऊपर से लेट लंच और इवनिंग स्नैक्स के बीच में मैं रेयरली कुछ खाता हूँ, वैसे नॉर्मल डेज पे भी जब शूट नहीं कर रहा होता, बट आज हम लोग खाएंगे भेलपुड़ी और पियेंगे स्पाइसी चाय। मैंने चैट जीपीटी को इनपुट किया था कि मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, क्या स्पाइसी खाना मिल रहा है मुझे, स्पाइसेस वाली चाय। एक रोबोट कंफ्यूज कर गया द डिफरेंस बिटवीन स्पाइसी किक एंड स्पाइसेस। स्लिम मिल्क पी रहा हूँ आजकल, सही है यार, बहुत टेस्टी है, मतलब
फुल क्रीम का अपना ही एक अलग टेस्ट होता है और दूध में से सारा फैट निकाल के एक अलग ही टेस्ट होता है। जस्ट कभी कभार मैं पूरा का पूरा एक लीटर का टेट्रा पैक पी जाता हूँ। आज फुल दूध वाली चाय बनाएंगे। आई लव चाय में सौंफ। ये थोड़ा सा चाय मसाला आ जाएगा इसके अंदर, सारा आपका दालचीनी और एक्चुअल में स्पाइसेस सारे इस चीज़ के अंदर है। और ये स्पाइसेस में एकदम फराटेदार ईरानी केसर, स्विट्ज़रलैंड वाला, स्विट्ज़रलैंड से आया हुआ केसर है ये। थोड़ा सा इसको सिर्फ बढ़िया चीज़ें में डालते हैं भाई, इतना नहीं डालना होता केसर, दो तीन स्टैंड डालने होते हैं। ये जो इतना बच गया ना बस, ये भी ज़्यादा ही डाल दिया, गर्मियों का टाइम है। तुम वीडियो पे लाइक कर दो बस, और एक बढ़िया सा कमेंट कर दो जितनी मेरी चाय टी बन जाएगी। ओ चाय लाटे, ये एक्चुअल में चाय लाटे बनेगी भाई। ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं करोगे ना तो चाय सारी गिर जाएगी बाहर और फिर पड़ेगी छितर। ये वीडियो को छोड़ो, मैं इसको अपने इस हाथ से ही करता हूँ। डिग्री का ना तापमान है अभी, और ये चैट जीपीटी चाय पिला रहा है एकदम गर्म वाली। फुल दूध वाली ना चाय पी के देखना, बड़ा मज़ा आता है। उसमें स्पाइसेस डालो, इलायची, सौंफ, चाय पाउडर, बहुत आसान होता है बनाना, दालचीनी वगैरह डाल डोल के, यू लाइक इट। जो दूध की नेचुरल मिठास होती है ना, क्या बढ़िया चीज। बट मैं ये फर्स्ट टाइम ना स्किम्ड मिल्क की चाय पी रहा हूँ बिना चीनी वाली। जो नेचुरल स्वीटनेस होती है ना फुल क्रीम मिल्क में, बेस्ट बेस्ट। बहुत बढ़िया वाले शॉट हो गए, अंदर चलते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर है, बिना एसी के ना होगा। अगर ना कोई डाइटिशियन देख रहा है ना तो कमेंट्स में बताना इसने न्यूट्रिशनल बेसिस पे कैसी डाइट दी है चैट जीपीटी ने। चाय के साथ मिली हुई है भेलपूरी, एक जगह पे तो पूरे दिन में एक भी मीठे की चीज़ नहीं दी, मतलब गुलाब जामुन दे देता, अरे टॉफ़ी दे देता, चॉकलेट दे देता, और ऊपर से इवनिंग स्नैक्स जो होगा ना वो तो हद ही कर दी इसने। वो आप इवनिंग स्नैक्स पे देखना, बहुत अच्छी भेलपूड़ी बनी है। घर में ना मुरमुरे बनाते हैं, अब पता नहीं आपके घर में कैसे बनाते हैं, हमारे घर में तो हल्का सा तेल लेते हैं, उसमें अपना नमक, हल्की सी मिर्च, हल्का सा मसाला, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, कोई भी मसाला डाल दो, और ये जो मुरमुरे आते हैं ना जिसको बोलते हैं पफ्ड राइस, वो डाल दिए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, बस ये मुरमुरे का मसाला प्रीमिक्स रेडी हो गया आपका। फिर एक प्याज लिया, टमाटर लिया, खीरा आपकी श्रद्धा अनुसार, और थोड़ी सी और मूंगफली, थोड़े से मैंने तो हींग वाले चने भी डाल दिए, और एक मिर्ची डाल दी, और चटनी के नाम पर मैंने डाली घर की बनी हुई हरी चटनी और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस एक चम्मच। क्या टेस्ट आ रहा है, ऊपर गार्निश करा सेब के साथ। ये चैट जीपीटी आज इतना खाना खिला रहा है ना। अब आपसे बात करेंगे इवनिंग स्नैक्स में, जब इसने हद कर दी है, एक भी डेजर्ट्स की चीज़ नहीं दी, कुल्फी दे देता बट टिक्की खिलाएगा स्पाइसी वाली। अब प्रॉपर इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो चुका है, और अभी चैट जीपीटी ने बोला है आप खाओ आलू टिक्की। That's what we are going to do. यहाँ पे सेक्टर 15 रोहिणी में F ब्लॉक में बालाजी चाट करके है, बेस्ट टिक्की बनाते हैं इन माई ओपिनियन। वहाँ से जाएंगे, सिंगल टिक्की खाएंगे और मौज लेंगे, और आते आते डिनर भी पैक करवा के आएंगे, और फिर 9 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास डिनर भी करेंगे। बहुत कमाल की होती है क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की यार, देखो जरा, सुपर स्पाइसी। भैया को बोला है चैट जीपीटी का खाना 24 घंटे, मतलब उसका खाना नहीं, मतलब उसने सजेस्ट करा, रोबोट सजेस्टेड फूड। बढ़िया सी टिक्की मिल जाए ना ऐसे मौसम में, मजा आ जाता है।
शाम के टाइम में उसको परफेक्ट। ये मैसेज तो नहीं पढ़ रहा मेरे, टिक्की मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। कुछ शब्द नहीं बचते इस टिक्की के लिए, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, उसके ऊपर जो स्पाइसी चटनी पड़ती है। और ये मेरे दिन का दूसरा स्नैक है, अब इसके बाद डिनर में खाएंगे सुपर 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 से भी ऊपर वाले यूनेस्को डिक्लेयर्ड वर्ल्ड बेस्ट के बेस्ट होले रोपड़ के। ट्रैवलिंग बाजी डेली व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा रोपड़ के छोलों के बारे में। आज रोपड़ के छोले से जाके, मतलब रोपड़ से जाके रोहिणी में रोपड़ से जाके छोले लेके आते हैं। मैं इसको खत्म करता हूँ, चलो आज आपको रोपड़ से जाके छोले लेके आते हैं, रोपड़ दिखाते हैं, रोपड़ कहाँ पे है रोहिणी में। ये है द आइकॉनिक रोपड़ पंजाबी ढाबा सेक्टर 11 रोहिणी में। GPT ने बोला था कि डिनर में छोले खाने हैं और साथ में खाने हैं चावल, तो वो थोड़े से भैरोज की बिरयानी भी बची हुई है, बट मैंने सोचा पीस पुलाव खाऊंगा। और रेस्टोरेंट में मंगवाने से अच्छा मुझे लगा कि घर में बनाते हैं, और मम्मा को मैंने बोल दिया था, मम्मा ने इतने टेस्टी वाले पीस पुलाव बनाए हुए जिसमें से क्या महक आ रही है। वैसे मुझे मटर पसंद नहीं है, बट पुलाव के अंदर मटर बहुत पसंद है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ वैसे खाने में नहीं पसंद होती पर वैसे पसंद होती है, जैसे कटहल की सब्जी मुझे घर में बिल्कुल मतलब ठीक ही लगती है, बहुत ओके ओके, पर कटहल बिरयानी इज़ वन ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट्स। थोड़े से ही चावल खाने थे, बाकी सब लोग अपनी रोटी खाएंगे, इसलिए मैंने थोड़े से ही एक कटोरी चावल ही बनवाया मम्मी से। एंड ऑफकोर्स ये है रोपड़ के आइकॉनिक छोले पंजाबी ढाबे के। भाई क्या छोले बनाते हैं, और ये जो इनकी प्याज वाली ग्रेवी है ना, ओहो, ऑल्दो ये प्री मेड ही बना के रखते हैं, बस गर्म करके देते हैं आपको, पर इससे बढ़िया एटलीस्ट दिल्ली में तो मैंने छोले अभी तक नहीं खाए ढाबा स्टाइल। भाजी भाजी पे बहुत वीडियोस हैं, चलो आज एक मैं आपको इस खाने को टेस्ट करके दिखाता हूँ वो वीडियो क्या चीज़ है वो। अब चैट जीपीटी ने मेरे को एक गाइडलाइन दी है कि आप ये खाओ, बट उसने एक गाइडलाइन दी थी और उस गाइडलाइन में मैंने अपना बहुत दिमाग लगा के हेल्थीफाई मी पे कैलोरीज काउंट करके अपना ऐसे बैलेंस डाइट खाई है, और अपना पूरा कैलोरीज भी सही रखी है जितना हद तक मैक्रोस कर सकता था इन मेकिंग अ ब्यूटीफुल डिलीशियस स्ट्रीट स्टाइल वीडियो, वो भी मैंने वो अपनी मेंटेन करी है, और पूरे स्वाद भी। रोपड़ के छोले के साथ चावल का वियर्ड कॉम्बिनेशन है, हमेशा रोटी खाते हैं, बट 24 आवर चैट जीपीटी फूड चैलेंज है। अच्छा आपको बताया था ना डिनर के टाइम पे आपको बताऊंगा, चैट जीपीटी से पूछा था गूगल बढ़िया है चैट जीपीटी बढ़िया। गूगल का जैसे चैट जीपीटी इज गूगल की फ्यूचर जनरेशन, फिर मैंने उससे पूछा गूगल का बान बढ़िया है जिसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, या फिर चैट जीपीटी बढ़िया, और उसने बहुत ही समझदारी वाला आंसर दिया, आई लाइक इट। अब मैं अपना आराम से डिनर एंजॉय करता हूँ बिना डेजर्ट्स के, वैसे आई एम नॉट इवन अ डेजर्ट पर्सन, आई लव स्पाइसी फूड। चैट जीपीटी पासेस आई पास बिकॉज मैंने ये चैलेंज पूरा अच्छे से कर लिया, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी। ऑफकोर्स एक और चीज़ जो आपको बताई थी ना, आपको बताऊंगा रोपड़ की, 3 साल पहले रोपड़ में गए थे, एक वीडियो बनाई थी हम लोगों ने, शूट करे थे इनिशियल डेज ऑफ वेजी पाजी, इनिशियल डेज ऑफ यूट्यूब वेजी पाजी, 3-4 साल पहले की वीडियो है, उसकी एक क्लिपिंग देखो और फिर ढूंढना, वो उसका लिंक नहीं डालना, अपने आप ढूंढना और उस पर कॉमेंट करना केम हेयर फ्रॉम चैट जीपीटी वाली 24 आवर वाली वीडियो। अब मैं इसको खाने को खा के करता हूँ वॉक।